हो सकता था, नहीं हो रहा है जी, हमेशा से हो रहा है, लेकिन जब मीडिया जागरूक होती है या लोग जागरूक होते हैं तो वो प्रकाश में आता है जी। हम लोगों के ये सारी चीजें देश के स्वतंत्र होने के बाद भी जो महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति हमारा नजरिया रहा वो बदला नहीं। कुछ हद तक इसमें समाज भी दोषी है, हम भी दोषी हैं, और समाज से ही राजनीति बनती है ना, समाज के ही लोग राजनीति में जाते हैं। जब उनकी सोच ही ऐसी होगी महिलाओं के प्रति तो क्या होगा। मैं पूरे पुरुष वर्ग को नहीं इसमें दोषी कर रही हूँ, लेकिन कुछ मानसिकताओं को दोषी कर रही हूँ। और इसमें सारी मूल बातें ये आ रही हैं कि मैंने सुना राजू जी ने कहा पार्टियों का, तो ये बताइए कि स्वास्थ्य हर किसी के लिए बहुत मूल्यवान होता है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति ये मखौल वाला रवैया क्यों अपनाया जा रहा है? क्यों अपने आप वोट बैंक के लिए उसको मखौल के रूप में बनाते हैं, उपयोग करते हैं और लोगों के सामने परोस देते हैं। जब आपको मतलब होता है तो वो चीजें लागू करते हैं, नहीं मतलब नहीं है। महिलाओं के प्रति तो हमेशा से ये रवैया रहा, इतना बुरी तरह रवैया। आज नसबंदी की बात तस्वीर देख के और उस बच्चे की बात देख के मुझे, मैं 3-4 दिनों से इस स्वास्थ्य के इशू पे काफ़ी चीज़ों में बोल रही हूँ, लेकिन बोलने से मुझे तकलीफ ही होती है कि अगर कोई पिता अपने बच्चे को खोता है और एक पति अपनी पत्नी को खोता है और हमारे पास एक एम्बुलेंस, मैं इसका जीता जागता उदाहरण दे रही हूँ जो मैंने खुद फेस किया है। आज मैं किसी पार्टी के प्रति नहीं, आज उन्होंने कहा राजू जी ने कि एम्बुलेंस की बात, तो मैं नोएडा जैसे शहर की बात आपको बता रही हूँ। एक बुजुर्ग व्यक्ति 4 दिनों से अलग अलग सेल्टरों में पड़ा होता है हमारे एक बहुत ही अच्छे सेक्टर में, और वहाँ क्या होता है कि लोग उसको निकाल के फेंक देते हैं। और जब मैं पुलिस को फोन करती हूँ, पीसीआर को फोन करती हूँ, तो पीसीआर कहती है अगर कोई व्यक्ति सड़क पे पड़ा होता है, उसके पास खाने के लिए नहीं हो, रहने के लिए नहीं हो, और समाजवादी पार्टी कहती है कि वो एम्बुलेंस चलाया उन्होंने, मैंने उनको फोन किया तो वो 15-20 मिनट आधे घंटे वो व्यक्ति जिसके पास खाने के लिए नहीं है, पैसा नहीं है, तो उसकी सिचुएशन क्या होगी, यू कैन इमेजिन कि क्या हो सकता है। उसके बाद वो कहते हैं, पीसीआर आती है तो क्या कहती है कि मैडम डांट रहे हो बुला रहे हो, बट वो आके वो लोग ठेला ढूंढते हैं जी। आप बताएं कि ये क्या है, कहां गई वो समाजवादी एम्बुलेंस जी। इस पे वो लोग बहस कर चुके हैं, मैं कह रही हूं कि मैंने उसको एक एम्बुलेंस मंगवा के एक निजी अस्पताल से दिया, उसके बाद जिला अस्पताल में भेजा। आप बताइए सड़क पे पड़े हुए व्यक्ति का कौन होता है जी। उस पे अगर किसी को पता चलता है तो वहां की सरकार है जो आज समाजवादी पार्टी चला रही है एम्बुलेंस को, क्या वो इस तरीके की चीजों को करना चाहती है? नहीं, ये लोहिया के विचार और जेपी के विचार कुछ भी नहीं है, ये वोट के विचार है जो हर पार्टी लोगों के स्वार्थ से, दिमाग से, सारी चीजों से खेलती। उस औरत की बात, दूसरी बात मेडिकल प्रोफेशन है। आपको बताऊं कि मेडिकल प्रोफेशन कितना नोबल प्रोफेशन होता है जी। हमारे समाज से ही तो बच्चे डॉक्टर बनेंगे ना, वो बच्चे जो सिर्फ पैसे के लिए प्रोफेशन बन गया है, जहां आपके नोटों का बैंक बन गया है हर प्रोफेशन, चीजों को सामने नहीं लाता, वो स्वास्थ्य को क्या देखेगा, वो डॉक्टर्स भी उसी सिस्टम बिल्कुल बन चुके हैं।